अपना नाम लेके ना प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी समझते हो ना आ पॉसिबिलिटी समझते हो देखो पॉसिबिलिटी का मतलब बताते हैं जैसे तुम लोग हो किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हो समझ रहे हो तो कितना पॉसिबिलिटीज है कि वो तुम्हारी बात मान जाएगी मतलब समझ रहे हो ना जीरो है मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे तुम्हारे अंदर अरे अपने आप को कुछ समझो यार ऐसे कैसे चलेगा अरे कम से कम बोलो कि 70% तो है भाई पॉसिबिलिटी कुछ लोग तो 90% भी होगा हाँ कुछ लोग को 0% होगा हाँ सही बात है तो पॉसिबिलिटी तो मैथमेटिक्स में इसी पॉसिबिलिटी का एक मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी कितनी होगी उसके लिए कुछ क्रिटेरिया दिया होगा उसके लिए क्या दिया होगा हमको कुछ क्रिटेरिया जैसे क्रिटेरिया में हम क्या बोल सकते हैं कि जब लड़की को तुम अप्रोच करते हो तो सबसे पहले क्या जानना चाहते हो कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है अब तुम उसका इंटरेस्ट जानते ही नहीं हो अब तुमको तुम उसको अप्रोच करने लगे तो भैया अब तो वो गुस्सा करेगी ना तो पॉसिबिलिटी कम है तो सबसे पहले उसका इंटरेस्ट जानो वो जो करती है वो जानो उसके बाद धीरे धीरे क्या करना होगा उसके क्रिटेरिया के अकॉर्डिंग उसे अप्रोच करना होगा तब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो तुम्हारी बात मान जाएगी नहीं तो नहीं तो प्रोबेबिलिटी भी कुछ इसी तरह से है कि कुछ क्रिटेरियाज दिया रहेगा तो कितनी पॉसिबिलिटीज है पॉसिबिलिटी अंदाज से नहीं बनाना है अभी मैथमेटिक्स बुक वहाँ पे तो अंदाज है क्योंकि ये क्रिटेरिया कोई फिक्स नहीं ना है आप हर आदमी का बात दिमाग में जो चल रहा है वो तो थोड़ी जान सकते हो आप भले वो इंटरेस्ट है लेकिन उसके दिमाग में कोई और तुम अप्रोच कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी जीरो है भले ही उसका इंटरेस्ट तुम जान के भी क्या कर लोगे तो ये मैथमेटिक्स में पॉसिबिलिटीज एग्जैक्ट में काम आता है मतलब एग्जैक्ट बताना होगा कुछ क्रिटेरिया दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं तो अब जरा सोचो कि कैसा पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है जैसे हम पूछेंगे आपसे कि इंडिया और पाकिस्तान मैच खेल रहा है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि इंडिया जीतेगा बोलो इंडिया और पाकिस्तान मैच खेल रहा है मान लो तो कितना पॉसिबिलिटीज है कि इंडिया मैच जीतेगा और ड्रॉ नहीं हो रहा मैच ये पता है पहले से कि मैच ड्रॉ नहीं होने वाला है मैच में या तो हार होगा या तो जीत होगा ध्यान से क्या बता रहे थे हम प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी में कुछ क्रिटेरियाज दिया रहेगा जिसके अकॉर्डिंग आप बताओगे तो हम बोल रहे थे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान मैच खेल रहा है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया मैच जीतेगा कितना बोले कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया मैच जीतेगा अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है तब कितना 100% हम तो 100% ही कहेंगे भाई इंडिया को जिताना है भाई लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है मैथमेटिक्स में आपको बताना पड़ेगा
तो दो चीज़ के बीच में अगर कोई गेम हो रहा है और दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो जीत होगा या तो हार होगा, तो भाई हम कहेंगे कि आधा चांस है हमारे पास जीतने का और आधा चांस है हमारे पास हारने का। बात समझ रहे हो? आधा चांस है जीतने का और आधा चांस है हारने का, है ना? हाँ, लेकिन ये है कि अगर इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हों तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है इंडिया के जीतने का। बात समझ रहे हो? तो ये जो पॉसिबिलिटीज वाली कहानी है वो डिपेंड करता है कि गिवन कंडीशन क्या है, क्रिटेरिया क्या है, प्लेयर कैसे हैं। समझ रहे बात को? तो अब जरा हम एक काम करते हैं, ये फेवरेबल इवेंट नहीं हुआ। अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है और कौन जीतेगा, ये फेवरेबल इवेंट नहीं हुआ। फेवरेबल मतलब, या फिर फेवरेबल बोल रहे हैं, सॉरी उसको क्या बोलना चाहिए, मतलब इवेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है किसी न किसी के ऊपर, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। ये जो घटना है वो डिपेंड कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्लेयर्स कैसे हैं, या ये डिपेंड कर रहा है कि उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये क्रिटेरिया फिक्स नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब जो है मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि हम लोग उसी की प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं जिसकी क्रिटेरिया फिक्स है। जैसे कि अगर हम एक क्वाइन को उछाले अगर हवा में, तो निश्चित रूप से या तो हेड के बल गिरेगा या तो टेल के बगल गिरेगा। कोई नहीं कह सकता है कि नहीं हेड के बगल ही गिरेगा। अगर वो बोलेगा कि नहीं हेड के बगल ही गिरेगा, तो इसका मतलब वो सोले वाला सिक्का था, अमिताभ बच्चन के पास जो सोले में सिक्का था वो था, क्योंकि उसमें दोनों के तरफ हेड था, चित भी हेड था पट भी हेड था। तो उसमें अगर सिक्का को उछाला जाएगा तो निश्चित रूप से हेड ही गिरेगा 100%। लेकिन अगर नॉर्मल क्वाइन की बात किया जाए, जिसमें एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड के बल गिरेगा? आप लोग बताएं खुद से। 1/2 आधा चांस है हेड के बगल गिरेगा, आधा हेड भी है आधा टेल भी है। तो यही से प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिफाइंड किए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। एक्चुअली क्लास 10th में बहुत ही छोटा पार्ट पढ़ना है प्रोबेबिलिटी का। जैसे ही आप क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर हो जाता है कि लोग छोड़ता है, पढ़ता ही नहीं है। जितना आसान क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी आपको लगता है, क्लास 11th 12th का आसान प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक ना? इसीलिए इसको सारा समझने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया जाता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कैसे? तो देखो, अभी हम बोले कि व्हेन अ क्वाइन इज टोस्ड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम्स, है ना, हेड आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो इज इक्वल टू हम लिखेंगे नंबर ऑफ, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हेड अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। अब इसमें दो वर्ड आया, एक्चुअली 1/2 आंसर हम जानते हैं हेड वाला केस में, जानते हैं कि नहीं जानते हैं जी? क्वाइन के केस में हम आंसर जानते हैं कि 1/2 होगा, क्योंकि 50% चांस है, और 50% को अगर हम परसेंटेज को हटाएं तो 50 × 1/100 होता है, और ये 50 से दो बार में कट के 1/2 आ जाता है। तो ऐसे हम जानते हैं कि 50% यानी कि 1/2। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही हम पूछ रहे हैं, अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, मतलब 100% आ जाए, तो क्या वो प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्ट इवेंट है, एग्जैक्ट मतलब होगा वो घटना?
जैसे हम बोले कि सोने वाला जो सिक्का था उसमें हम पूछे कि एक सिक्का को उछाला गया, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 100%, तो वो श्योर इवेंट हो गया। जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% आ गई वो इवेंट क्या कहलाएगा, श्योर, श्योर घटना वो होगा ही होगा, उसमें कोई इफ बट नहीं है। और उसी तरह से हम बोले कि सोने वाला सिक्का है, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जीरो, क्योंकि सोने वाला सिक्का में दोनों तरफ हेड ही था, टेल था ही नहीं, तो हम जानते हैं कि उसमें प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी। उस इवेंट को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे जी, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, कोई संभावना नहीं है भैया, जीरो संभावना है। तो दो चीज सीखे हम, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी वन होता है। और यहां से हम सीख रहे हैं कि एक क्वाइन को उछाला गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब यहां से हम सीखेंगे कि इवेंट किसे कहते हैं और सैंपल स्पेस किसे कहते हैं। अगर हम इवेंट सीख जाएं तो उसकी संख्या गिन सकते हैं, सैंपल स्पेस सीख जाएं तो उसकी संख्या गिन सकते हैं, क्योंकि इवेंट का नंबर ऊपर होता है और सैंपल स्पेस का नंबर नीचे होता है। तो इवेंट के बारे में लिखो, लिखो, इवेंट इज आउटकम, इवेंट इज आउटकम व्हेन व्हेन एनी, क्या लिख सकते हो, इवेंट इज आउटकम व्हेन एनी ट्रायल वर्क या एनी ट्रायल बी डन, ऐसे लिख लो, एनी ट्रायल बी डन। कोई ट्रायल किया जा रहा है तो जो आउटकम्स आते हैं है ना, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इवेंट बोल सकते हैं। विच आस्क्ड लिखना, विच आस्क्ड जो पूछा जाता है। इवेंट इज अ आउटकम व्हेन एनी ट्रायल इज परफॉर्म लिख लेना, डन अच्छा नहीं लग रहा है, व्हेन एनी ट्रायल परफॉर्म्ड विच आस्क्ड, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, जो पूछा जाता है वो। और सैंपल स्पेस में लिखोगे, अगला पॉइंट लिखोगे सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस में लिखोगे, इसका मतलब देखो, इवेंट का मतलब हम समझाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, पहले सैंपल स्पेस लिखो, एस लिखोगे, व्हेन एन इवेंट परफॉर्म्ड देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स बस हो गया, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब जरा समझो, एक हेड को जब तुम, मतलब एक क्वाइन को तुम उछाले थे जब एक सिक्के को ऊपर की तरफ, और हम पूछे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, तो जो पूछा गया है तुमसे कि हेड आएगा वो इवेंट इज आउटकम जो है वो, व्हेन एनी ट्रायल परफॉर्म्ड, ट्रायल क्या है, सिक्का को उछाला गया, डाइस को फेंका गया, 52 पत्तों की ताश में से एक ताश को निकाला गया, तो जो तुमसे पूछा गया वही इवेंट है। हम पूछे कि एक सिक्के को उछाले तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड का आना एक इवेंट है। एक डाइस को हम थ्रो किए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक आ जाए, 6 आ जाए, तो 6 का आना एक इवेंट है, 5 का आना एक इवेंट है, 3 का आना एक इवेंट है। समझ रहे हो बात को,
52 पत्तों की ताश में से एक ताश को निकाला गया, हम बोले कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होगा, बादशाह होगा। तो बादशाह का आना जो पूछा गया, लिखा गया ना विच आस्क्ड, जब जो ट्रायल परफॉर्म किया जा रहा है, जो ट्रायल परफॉर्म किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो तुमसे पूछा गया वही तुम्हारा इवेंट है। तो अब जरा बताओ कि अगर एक क्वाइन को टॉस किए तो हेड क्या है हमारा, एक इवेंट है, हेड क्या है मेरा इवेंट है। और सैंपल स्पेस की बात करें तो उस दरमियान जब हम क्वाइन को उछाल रहे थे उस दरमियान क्या क्या आ सकता है हमारे आंखों के सामने, या तो वो हेड के बगल गिरेगा या तो टेल के बगल गिरेगा, पट नहीं है चित, या तो पट गिरेगा, इसे खड़ा नहीं होना है उसे, समझ रहे हो। तो क्या होगा, या तो हेड या तो टेल। अब बताओ एक क्वाइन को उछाले हो तो उसकी संख्या कितनी होगी हेड आने की, हेड कैगो होगा उसमें एक, आ सिंपल स्पेस दो, तो इसलिए आंसर 1/2 आया था ना। वही अगर हम पूछे कि एक डाइस को थ्रो किया गया, एक डाइस को थ्रो, अ डाइस थ्रो, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स इज 1। तो एक बात बताओ कि इवेंट क्या हो गया, एक का आना, तो एक का आना एक इवेंट हो गया, तो एक कै गो है, है ना। सैंपल स्पेस की बात हो तो उस एक के आने की दरमियान क्या क्या और आ सकता है बताओ जरा। जब तुम डाइस को फेंके हो तो जो काम परफॉर्म हो रहा है, लिख रहा है ना कि व्हेन एन इवेंट इज परफॉर्म्ड देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आउटकम हो सकता है जो इवेंट परफॉर्म किया गया तो। अरे एक भी तो आ सकता है भाई, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है, उसकी संख्या कितनी है छह, और इवेंट की संख्या कितनी है, तो एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। उसी तरह से अगर हम तुमसे पूछें कि दो के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी तो 2/6 की 1/6, दो के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यदि एक डाइस को फेंके तो, बहुत गलत जवाब दे रहे हो तुम, 1/6 ही ना होगा, मतलब तुमको ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है कि दो 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 ज्यादा आ सकता है, मतलब छह तो तुम्हारा 100% हो जाएगा कि छह ही आएगा डाइस फेंकोगे तो, 6/6 हाँ डाइस को फेंकोगे तो 100% श्योर हो कि छह आ जाएगा। अरे भाई छह कितना है, नंबर ऑफ इवेंट पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो छह कितना बार होता है एक डाइस में, दो बार, तीन बार, एक ही बार होता है, तो एवरी एंड ईच नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी, समझे कि नहीं। उस दरमियान जो भी घटना हो सकती है वो सैंपल स्पेस में आ जाता है, और निश्चित रूप से होना भी चाहिए क्योंकि सबकी आने की प्रोबेबिलिटी है भाई, सब आ सकता है, कुछ ना कुछ संभावना तो सबकी है। हाँ अगर हम बोलें कि एक डाइस को फेंके हैं भैया सात आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, काहे कि सात है ये नहीं है उसमें, समझ में आ रहा है। हम बोले तुम्हें कि अगर एक डाइस को फेंके और एक बात बताओ कि सात से कम संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सात से कम संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 100% छः नहीं, प्रोबेबिलिटी कभी एक से अधिक नहीं होता है, संभावना है ना, पॉसिबिलिटी है ना, या तो 100% होगा या तो नहीं होगा या उसके बीच में होगा, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटीज
मतलब दो कैसे हो सकती है भाई? अरे भाई ये सात से कम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सात से कम आना इवेंट हो गया। इवेंट क्या हो गया हमारा? अब सात से कम आना जब इवेंट हो गया तो आप बताओ सात से कम कै गो नंबर है? तो छो इवेंट में आ जाएगा ना। सात से कम आना मतलब एक आना, दो आना, तीन आना, चार आना, पांच आना, छह आना, उसकी सैंपल स्पेस कितनी होगी? खा ले रहे सैंपल स्पेस भी तो उस समय जब हम कर रहे थे परफॉर्म, तो यही हो सकती है ना। तो उस समय जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी उस इवेंट की? छः बाई छः, क्योंकि इवेंट की भी संख्या छः हो गई है और सैंपल स्केस स्पेस की भी संख्या छः हो गई है, मतलब वन। अरे पच रहा है कि नहीं? पच रहा है। तो अब क्या करो कि अपना बस इतना ही थ्योरी है, और भी थ्योरी बताएंगे, लेकिन तब तक तुम पाँच मिनट का हम ब्रेक लेंगे थोड़ा सा। कोई दिक्कत है? तो पाँच मिनट के ब्रेक में तुम लोग अपना प्रोबेबिलिटी का बुक निकालो, क्वेश्चंस निकालो और बनाओ तुरंत, अभी बनाओ, फिर हम पढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने केवल एक डाइस को फेंक रहे थे अभी तक, अब एक डाइस के साथ साथ हम दो डाइस को फेंकेंगे, ठीक है? तो मतलब समझो कि जब दो डाइस को फेंका जाएगा तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, और उस समय सैंपल स्पेस क्या होगा, इवेंट क्या होगा। व्हेन टू डाइस थ्रो साइमल्टेनियसली, थ्रो साइमल्टेनियसली, एन यू है ना, टेनियसली स्पेलिंग देख लेना, ओ यू एस एल वाई होता है, साइमल्टेनियसली देन फाइंड probability that, probability that outcomes is two and three. अब पहले समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अगर तुम दो डाइस को फेंके हो तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा ये सोचो। ये हो सकता है कि तुम्हारा, देखो इसमें हम पूछते हैं ना कि दो डाइस को फेंका जाएगा तो सैंपल स्पेस की संख्या कितनी होगी, तो लोग 12 बताता है, कहता है 6 गो इस पे या 6 गो इस पे। सैंपल स्पेस हमेशा गलत है, ये याद रखना। सैंपल स्पेस हमेशा जो क्वेश्चन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग होता है, मतलब जो इवेंट हुआ, जो आप इवेंट परफॉर्म कर रहे हो उस दरमियान जो जो इवेंट हो सकता है उसकी संख्या को कहते हैं सैंपल स्पेस, या संख्या को तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहते हैं, जो जो हो सकता है उस दरमियान उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो जब हम दो डाइस को फेंक रहे थे तो उस समय क्या क्या हो सकता है? पहले डाइस पे एक आया और दूसरे पे डाइस पे भी एक आए, या पहले डाइस पे एक आए दूसरे पे दो आ जाए, या पहले डाइस पे एक आए दूसरे पे तीन आए, पहले डाइस पे एक आए दूसरे पे चार आए, पहले डाइस पे एक आए दूसरे पे पाँच आए, पहले पे एक दूसरे पे छः। क्या पहले पे एक और दूसरे पे सात भी आ सकता है? क्योंकि दूसरे डाइस पे छः तक ही अंक होते हैं। उसी तरह से ये भी हो सकता था कि पहले डाइस पे दो आए दूसरे पे एक आए, पहले डाइस पे दो आए दूसरे पे दो आए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। टोटल आउटकम्स जो भी इवेंट के दरमियान जब हम दो डाइस को थ्रो किए हैं उस दरमियान जो जो भी हमको डाइस पे दिख सकता है वो टोटल लिखना है, ना एक भी छोड़ना है ना एक भी अधिक लिखना है। तो इसीलिए हम एसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, मतलब एक क्रम में चल रहे हैं। तो 2 3 2 4 2 5
एंड टू सिक्स। और क्या हो सकता था जी, पहले डाइस पे तीन, दूसरे पे एक, पहले पे तीन दूसरे पे दो, पहले पे भी तीन चमक जाए दूसरे पे भी तीन चमक जाए, है कि नहीं, पहले पे तीन दूसरे पे चार, फिर तीन पाँच और तीन छः, तुम्हें कितना लग रहा है कितना होने वाला है? हाँ, फोर थ्री छत्तीस होगा, फोर फोर, हम इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ता है ना, पूरा लिख देते एक साथ, फाइव फाइव के बाद सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री, ये सब होगा ना। क्या इसके अलावा कोई भी और भी आउटकम है जो इससे मैंने अलग हो कि इन्हीं में से कोई ना कोई दिखाई देगा? अब हम पूछे हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि टू और थ्री हमको दिखाई दे जाए, तो हमने ये नहीं बोला है कि पहला डाइस पे दो दिखाई दे और दूसरा डाइस पे तीन दिखाई दे, हमको बस दो तीन दिखना चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये भी हो सकता है कि पहला डाइस पे दो नज़र आए और दूसरे डाइस पे तीन नजर आए, बोलो, ये भी हो सकता है कि पहला डाइस पे तीन नजर आए और दूसरे डाइस पे दो नजर आए, तो जो तुम्हारा इवेंट है वो दो और तीन हुआ तो भी हो सकता है और तीन और दो हुआ तो भी हो सकता है, तो ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, मानते हो कि नहीं? ऐसा नहीं है कि पहला डाइस पे दो आ रहा है अगला डाइस पे तीन आ रहा है तो दो वो इवेंट है ना, जब तुमने थ्रो किया तो चमकने वाला संख्या तो दोनों एक ही बार ना चमकेगा, तो एक इवेंट हुआ, दो तीन का आना एक इवेंट, तीन दो का आना एक इवेंट, तो जो परफॉर्म हुआ उसमें जो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम है, प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम आर डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम, ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। तो फेवरेबल आउटकम कौन है तुम्हारा? क्या जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तुमसे, दो और तीन की? तो दो और तीन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो टू बाई थर्टी सिक्स, क्योंकि इसकी संख्या नंबर ऑफ सिंपल स्पेस की संख्या 36 होगी, तो समझ में आया बात? अब देखो और भी क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, इसमें हम पूछेंगे कि सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू फाइव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि सम हो जाए फाइव, मतलब ये कि दो डाइस को जब फेंका गया तो उन पे जो अंक आ रहे हैं उनका सम जोड़ने पे पांच आ जाए, तो दो डाइस को फेंका जाएगा तो भैया यही सारे पॉसिबिलिटीज है ना, यही सारे हो सकते हैं ना, तो सम पांच कैसे कैसे आ सकता है? पहला डाइस पे अगर एक आए और दूसरा डाइस पे चार आए, पहला डाइस पे एक आए दूसरे डाइस पे चार आए, तो सम हमारा पांच आ जाएगा कि नहीं? फिर ये हो सकता है कि पहला डाइस पे दो आए और दूसरा डाइस पे तीन आए तो भी सम हमारा पांच आ जाएगा, तो ये जो इवेंट है जो कि सम क्या दे रहा है पांच, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है? पहला पे अगर पांच आ जाएगा तो अगला पे आने वाला संख्या कम से कम एक तो होगा, तो सम भैया छः हो जाएगा या छः से अधिक हो जाएगा, तो यही हमारा फेवरेबल आउटकम है, जिससे कि आउटकम जो है दोनों का सम जो है फेवरेबल आउटकम मेरा सम पांच आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कि सम जो है वो पांच आ जाए इसकी संख्या एक दो तीन चार,
इसकी संख्या, नंबर ऑफ इवेंट पूछा जाता है, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? चार। इनमें से कोई भी आ जाएगा तो हमारा सम आ जाएगा पाँच। तो ये 4/36, क्योंकि उस दरमियान तो ये सारे आ सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि केवल सम वाला ही आपको चमकेगा। तो 1/36 गुना प्रोबेबिलिटी कम आएगा, इसीलिए 4/36। समझ में आया? कैलकुलेशन अलग है, वो बात अलग है। चार से काट दिए, 4×9=36 हो जाता है 1/9, उस वो कैलकुलेशन का पार्ट अलग है। समझ गए बात को? डबलेट समझते हो? डबलेट प्रोबेबिलिटी की डबलेट आ जाए, डबलेट जानते हो क्या होता है? डबलेट दोनों डाइस पे एक ही नंबर चमके, एक एक दिखाई दे तो डबलेट हो जाएगा, दो दो दिखाई दे तो भी डबलेट हो जाएगा, तीन तीन दिखाई दे तो भी डबलेट हो जाएगा। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डबलेट आए? बोलो। 6/36, क्योंकि एक एक आएगा तो भी, दो दो आएगा तो भी, तीन तीन आएगा तो भी, चार चार आएगा तो भी, पांच पांच आएगा तो भी, और छः छः आएगा तो भी। तो 6/36। समझ में आया? 1/6 क्लियर है? अब क्या होता है, ये तो हम दो डाइस वाला खेल समझ गए, अब जरा खेल समझते हैं हम किसका, जानते हो? डैक वाला, कार्ड वाला, कार्ड वाला समझते हैं, ताश वाला। बोलो क्या? तो ठीक है, कार्ड वाला जो प्रोबेबिलिटी है, और भी कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं वो अगले क्लास में सीख लेते हैं, कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू, बाय।